Hello, class 8. Very warm welcome to all of you. Today we are going to start with the last chapter for chemistry, carbonates, compounds. ये आपकी book का last chapter है. अभी मैंने कुछ chapters छोड़े हुए हैं because अभी जो time है, year end है, तो मुझे लगता है कि आपके last वाले chapters important है, exam में आ रहे होंगे. तो इसको हम स्टार्ट करें. ये जो चैप्टर है कार्बनेट्स कंपाउंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्यों? क्योंकि कार्बन के जो कंपाउंड्स आप पढ़ोगे ना, वो यहाँ भी पढ़ रहे हो, मतलब 8th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, फिर 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे. 10th में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा खासा एक चैप्टर है आपका, एंड देन 11th 12th ऑफ कोर्स. सो कार्बन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसके सिंबल क्या है, सी. और इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि इसके कंपाउंड्स को हम एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मतलब आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. आपके 119 नोन एलिमेंट्स हैं, उसमें से कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कि हम कंपाउंड्स की एक सेपरेट ब्रांच बनाई है हमने केमिस्ट्री की, उसके कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे. इसका मतलब वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत सारे कंपाउंड्स का एक इंटीग्रल पार्ट है. इनफैक्ट हमारी बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक का आपने आजकल बहुत नाम सुना होगा, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मिल्क, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स. मींस वो कि जो कि नेचुरल तरीके से ग्रो की जाए विद मिनिमम और नो यूज़ ऑफ केमिकल्स एट ऑल. सो दोज आर ऑर्गेनिक स्टफ. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स के साथ डील कर रही है. एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं. उनकी वो जो है, वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाते हैं, या उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है. इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, ये वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं. तो कार्बन की वैलेंसी 4 है. अब हम यहाँ पे एक H को हटा के अगर यहाँ पे OH ग्रुप लगा दें, H हटा दिया हमने, H को हटा दिया, OH लगा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH. ये बन गया हमारा मिथाइल एल्कोहल. ये क्या था, ये हमारी मीथेन थी. ऐसे ही हमने H को हटा के, सपोज H को हटा के CH3, तो ऐसे ही रह गया. H को हटा के हमने Cl लगा लिया तो ये बन गया मिथाइल. कुछ और लगा लिया, मतलब एक एक H आप रिमूव करते जाइए और उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट अटैच करते जाइए. तो इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. मतलब बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन, और फिर हाइड्रोजन को हम रिमूव करते जाते हैं कार्बन में से और उसकी जगह हम कोई और ग्रुप या रेडिकल या एलिमेंट अटैच कर सकते हैं. वो बहुत डिटेल चीज़ें हैं कि बॉन्डिंग कैसी होती है या वैलेंसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है. वो सब चीज़ें आप अगर हायर क्लास में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव का मतलब कि कार्बन में हाइड्रोजन अटैच्ड है, उस हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने अगर और कुछ अटैच कर दिया तो वो उसका डेरिवेटिव कहला. ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इट डील्स विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सी है, एच है और उनके डेरिवेटिव्स हैं. मतलब ओ अटैच हो सकता है, एन अटैच हो सकता है, एस अटैच हो सकता है, सी एल मतलब हैलोजन्स अटैच हो सकते हैं. हैलोजन्स को एक्चुअली हम एक्स से डिपिक्ट करते हैं. कुछ भी अटैच हो सकती हैं चीज़ें ये सब. ओके, नाउ कार्बन. कार्बन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि कार्बन क्या है. एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, ये किस पोजीशन पे है आपको ध्यान है. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और पीरियोडिक टेबल में जो इसकी पोजीशन है ये है सेकंड पीरियड एंड विच ग्रुप, 14th ग्रुप. सेकेंड पीरियड और 14th ग्रुप में प्रेजेंट होता है. इसका एटॉमिक नंबर है 6. इसका मतलब, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसका एटॉमिक नंबर तो होता है, यहाँ पे नीचे दे रखा है ये सब, एटॉमिक नंबर है 6 और इसका मास नंबर होता है 12. मास नंबर क्या होता है,
number of neutrons and protons present in the nucleus of an atom is known as the mass number of that particular atom. Mass number 12 है, atomic number 6 है. Number of electrons कितने होंगे इसमें? बहुत सारे स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम. ऐसे मत लिखना, दिस इज रॉन्ग. डेफिनेशन में आप हमेशा ये बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर. बट सिंस एन एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल, एटम है तो न्यूट्रल है. अगर न्यूट्रल उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस खराब हो गया, मतलब अनइक्वल हो गया, या एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने या गेन कर लिया, तो आयन जो चार्ज है वो आ जाएगा उस पर, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा. इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा. तब उस केस में हम उसको एटम नहीं बोलते, हम उसको आयन बोलते हैं, है ना, कैटायन या एनायन. पॉजिटिव आयन होता है तो हम उसको बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव आयन होता है तो हम उसको बोलते हैं एनायन. तो उस केस में वो एटम नहीं कहलाता है, वो आयन कहलाता है. इसीलिए एक एटॉमिक नंबर में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ एक एटम में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, क्योंकि एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल. तो एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दे आर इक्वल, बट जब डेफिनेशन लिखने की आएगी आपको एटॉमिक नंबर की, तो आप उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है. तो एटॉमिक नंबर 6 हो गया, मास नंबर 12 हो गया, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं उसके न्यूक्लियस में, 12, इसका मतलब 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है. इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, C6 है तो C6 14, तो इसकी एक्चुअली 12 है ये, 14 तो आइसोटोप होता है इसका. आइसोटोप क्या होता है वो भी बताऊंगी अभी, है ना. C6 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 4, पहले s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नेक्स्ट जो है ऑर्बिटल है उसमें नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, दूसरी चीज़, इसकी जो ये इनरमोस्ट शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी आप ध्यान रखिएगा. वैलेंसी कार्बन की होती है 4, क्योंकि इसके जो आउटरमोस्ट शेल है, अल्टीमेट शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी है 4. अब 4 का वैलेंस, 4 वैलेंसी जो होती है, वो एटम्स जो होते हैं वो कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, ना तो वो आयनिक बनाएंगे, नहीं भाई वो तो एक्चुअली वो ना इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना इट्स अ वेरी बिग डील, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना इज ऑल्सो अ वेरी बिग डील. तो ये क्या करते हैं, दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे एलिमेंट्स जिनके की जो अल्टीमेट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे ऑलवेज शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स. एंड व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स डू दे फॉर्म, दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड दे शो कोवेलेंट बॉन्डिंग. बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है, शेयर करें. तो ये हो गई कार्बन की थोड़ी सी डिटेल. ये देखो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन डॉट ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो दिखा रखा है, 6 प्रोटॉन्स हो गए, 6 न्यूट्रॉन्स हो गए न्यूक्लियस के अंदर, और देखो ये जो के शेल है, ये है के शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और दूसरी जो शेल है एल शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1 2 3 एंड 4. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी 2 4, ठीक है, वैलेंसी 4, कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है. अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है कार्बन में, कि कार्बन इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स ऑन द अर्थ. ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन कार्बन. हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है, प्रोटीन्स से बनी है, फैट्स से बनी है, कार्बोहाइड्रेट से बनी है, तो ये सब चीज़ें जो है इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है. विटामिंस में और जो, खैर मिनरल्स में नहीं होता, कुछ मिनरल में होता है लेकिन सब में नहीं होता. तो मेनली जो हमारे जो 3 जो बॉडी के जो पिलर्स हैं, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, उन सब में कार्बन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ओके, ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर, टी, कॉफ़ी, पेपर, वुड, केरोसिन, कॉटन, ड्रग्स एंड डाइज आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन. तो ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही देन है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़े जाते हैं इनकी डिटेल्स या इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी प्रॉपर्टीज. कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल. कोयला क्या है, कार्बन. अब कार्बन हमें मिलता कैसे, कार्बन आपने जिंदगी में, अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखा है, और वेरियस फॉर्म्स में देखा है, बस हमें कई बार पता नहीं चलता कि कार्बन है क्या एक्चुअली.
तो अकरेंस कार्बन इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट नेचुरली. अब जब हम अकरेंस की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि नेचुरल कंडीशंस में, नेचुरल फॉर्म में कार्बन हमें कैसे मिलता है अर्थ में. तो इट इज़ फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स. फ्री का मतलब कि फ्री कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में मिल जाता है सी, और कंबाइंड स्टेट्स मतलब कंपाउंड्स की फॉर्म में. वो कार्बोनेट्स हो सकते हैं, बायकार्बोनेट्स हो सकते हैं, या CO2 जो है वो भी एक कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, ग्लूकोज जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्या है, ये भी एक कंपाउंड है. उसके अलावा ये देखो आप, ये मार्बल है कैल्शियम कार्बोनेट, चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम, ये भी मतलब कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिल रहा है. वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3. और बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3. तो ये सब चीज़ें जो है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सब चीज़ों में हमें मिल जाता है. लाइम हो गया CaO, तो इन सब में हमें, खैर लाइम में तो कैल्शियम नहीं है, कार्बन नहीं है, CaO है, लेकिन लाइमस्टोन में है कैल्शियम कार्बोनेट. लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम, अगेन कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, मार्बल, चौक, ये सब वही है. अब इन फ्री स्टेट कार्बन अकर्स, अच्छा फ्री स्टेट में इट अकर्स एज कोल, डायमंड एंड ग्रेफाइट. ये सारे कंबाइंड स्टेट देखे हमने. ठीक है, अब फ्री स्टेट में जो है इट इज़ कोयला, डायमंड, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो हम स्लेट यूज़ करते हैं, पहले बोर्ड्स बनते थे, स्लेट लिखते थे बच्चे, स्लेट पे लिखते थे ना चौक से, तो वो स्लेट जो है दैट इज़ ग्रेफाइट. हमारा जो लेड होता है पेंसिल का, दैट इज़ ग्रेफाइट. ऑब्वियसली उस मतलब ऑफकोर्स उसमें कुछ और केमिकल्स भी मिक्स होते हैं उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, बट इज़ बेसिकली ग्रेफाइट. कोल, कोयला आपको पता है, कोल की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. डायमंड, डायमंड एवरीबडी हैज सीन इन मूवीज एटलीस्ट. तो ये सब चीज़ें हैं जो कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और इन सब का फॉर्मूला जो होता है वो सी ही होता है. लेकिन यहाँ पे सी के कितने एटम्स किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. यू कैन इमेजिन कोल एंड डायमंड, द कॉस्ट वेरीज एक्सट्रीमली, है ना, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है उनकी कॉस्ट में. तो वो क्यों है, जबकि दोनों का जो अगर देखें फॉर्मूला तो सिर्फ सी है, सिर्फ सी ही है दोनों के अंदर, और कुछ नहीं है, और कोई एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है. लेकिन सी के जो एटम्स हैं वो आपस में किस तरीके से कंबाइंड हैं, कौन से एंगल पे, किस लेवल पे, किस तरीके से कंबाइंड है, कितनी लेयर्स में कंबाइंड है, वो जो है वो इन डिफरेंट फॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, और उससे उसकी प्रॉपर्टीज डिफर कर जाती हैं. तो अगे इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में कार्बन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर में बहुत कॉमन गैस है हमारी. देन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं ना, LPG यूज़ करते हैं, कोल टार यूज़ करते हैं, ये सब पेट्रोलियम के. आपको पता है रिफाइनरीज में पेट्रोलियम का क्या होता है, रिफाइन किया जाता है, उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू. नेचुरल गैस, नेचुरल गैस है वो भी हमें मिलती है, हम फ्यूल की तरह भी उसको यूज़ करते हैं. फूड न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, इन सब में कार्बन होता है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. देन कार्बोनेट्स जो हैं ये हमारे कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक एंड वॉशिंग सोडा. अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगी, ये थोड़ा सा देख लो फिर. देन फाइबर्स जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं ना, जैसे कि रेयन है, कॉटन है, सिल्क है. रेयन तो खैर नेचुरल फाइबर नहीं है, आर्टिफिशियल फाइबर है. कॉटन, सिल्क, इन सब में कार्बन होता है. ये ओके एग्जांपल्स दे रखे हैं. इज लाइफ, देयर इज अ क्वेश्चन थिंक में, इज लाइफ पॉसिबल विदाउट कार्बन, ऑफ कोर्स अ बिग बिग नो, इट इज नॉट पॉसिबल. कार्बन के बिना हम नहीं रह सकते क्योंकि हम खुद कार्बन से बने हुए हैं. लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, अब हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ कि एक्चुअली होता क्या है. हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैं पहले बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कि क्या डिफरेंस है. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, देखो ऐसे कंपाउंड्स, देखना डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ही हैं. उसके अलावा ऐसे कंपाउंड्स भी जहाँ पे कि हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन को हटा दें,
जो अटैच है उसकी एक एटम या सारे एटम्स को हटा दें, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो एक बार में 4 एटम अटैच होते हैं उसके साथ, ठीक है, तो उसको हटा दें और उसकी जगह हम किसी और एलिमेंट को अटैच करते, सो दे विल बी नोन एज द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, अब इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, जैसे आप इसमें स्टूडेंट्स को ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि अब जैसे CO2 है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी इनऑर्गेनिक है, CO है ये भी इनऑर्गेनिक है. क्यों? क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पहले हाइड्रोजन अटैच थी, हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन आ गई, हाइड्रोजन की जगह नहीं ली ऑक्सीजन ने, कार्बन डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है. ऐसे कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. अगर कार्बन के साथ अगर हम यहाँ पे जैसे मैं फिर से CH4 का एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ये मीथेन है, CH4 कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं ये डिपिक्ट हो रहे हैं. अब मैं यहाँ से दूसरा हम कलर लेते हैं, इसको हटा के और इसकी जगह मैं रख दूँ, अब मैं बना दूँ, क्या बना दूँ, कुछ भी रख दूँ, मैं Cl रख दूँ, मैं के कोई भी आप रख सकते हो, F रख सकते हो, Br रख सकते हो, Cl रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड हो गया है कंपाउंड. मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के हमने उसकी जगह हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह क्लोरीन अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. अब जो हम डे टू डे लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करते हैं वो क्या हो गए, फूड न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स लाइक वुल, कॉटन, सिल्क, रेयन, देन फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, LPG, CNG, सब में कार्बन होता है, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और ये सारे कार्बन के प्रोडक्ट्स हैं. देन अगर हम सिंथेटिक की बात करें, बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट, डू यू नो व्हाट इज बेकेलाइट, जो कि आप चाय का बर्तन घर में यूज़ करते हैं या जो हॉट पॉट्स यूज़ करते हैं उनके हैंडल में एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस लगा होता है ना जो कि गर्म नहीं होता है, दैट इज़ बेकेलाइट. एंड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC की चेयर्स यूज़ करते हैं हम, वो टूटती नहीं है. पॉलीथीन सबको पता है, मेलामाइन की यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, नॉन ब्रेकेबल जो प्लास्टिक टाइप प्लेट्स आती है ना जो अच्छी क्वालिटी की, दैट इज़ दे आर मेलामाइन यूटेंसिल्स जो कि हम अपने OTG में भी यूज़ कर, माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं. देन डिटर्जेंट्स एंड सोप्स, पेपर, परफ्यूम, डिसइनफेक्टेंट्स, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं. अब देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, कार्बन फाइबर्स आर स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ स्टील एंड आर लाइटर इन वेट. कार्बन के जो फाइबर्स हैं अगर हम सेम जो साइज है मतलब डायमीटर के हम कार्बन के फाइबर लें और सेम साइज के सेम डायमीटर के स्टील के फाइबर लें तो कार्बन फाइबर जो हैं दे आर मच लाइटर एंड स्ट्रोंगर देन इवन स्टील, सो दे आर यूज इन मेकिंग टेनिस रैकेट्स. टेनिस रैकेट्स में कार्बन फाइबर्स, क्योंकि टेनिस रैकेट बहुत, टेनिस इज़ अ वेरी पावर गेम है ना, स्ट्रेंथ यूज़ होती है बॉल को स्ट्राइक करने में. आपने कभी देखा हो टेनिस तो बॉल की स्पीड दिखाते हैं, सो मेनी माइल्स पर आवर, तो टेनिस रैकेट्स में बहुत ज़्यादा पावर चाहिए तो उसमें कार्बन फाइबर्स यूज़ होते हैं. देन कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज होती हैं, आपको पता होगा कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं. फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम वेरियस पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल में, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कि हम कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं. ठीक है, देन कंपाउंड्स लाइक कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोक्साइड क्या हो गया CO, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया CO2, कार्बोनेट्स क्या हो गए जिनमें कि CO3 ग्रुप आ रहा है, एंड बायकार्बोनेट्स क्या हो गए जिनमें कि HCO3 ग्रुप आ रहा है. दे कंटेन कार्बन बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मैंने आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में डिफरेंस बता दिया है. अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम्स दे रखे हैं, हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल्स, एसिड्स, और उनके फॉर्मूले दे रखे हैं. मीथेन इज CH4, ये एल्केन्स की सीरीज है. ठीक है, एल्केन्स एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, पेंटेन ऐसे होते हैं, तो ये मीथेन और ब्यूटेन का फॉर्मूला दे रखा है. इथीन ये एल्कीन है एक,
ये ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप 10th में पढ़ेंगे। ये एल्काइन 9th में भी है, बेंजीन C6H6 यही रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, नेप्थलीन, नेप्थलीन बॉल्स हम घर में यूज़ करते हैं, जो गर्म कपड़ों में रखते हैं ना, सिल्क की साड़ीज में या गर्म कपड़ों में रखते हैं। एल्कोहल्स में क्या होता है, एल्कोहल्स में OH ग्रुप आ जाता है, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, एक एक एच हटा दिया मीथेन का और OH ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया, CH3OH। क्या था, जैसे मीथेन था हमारा, ये मीथेन है CH4, 4H है, ठीक है। अब इसमें से एक H को हटा के इसकी जगह क्या लगा दिया, OH लगा दिया, इसको हटा दिया, OH अटैच कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH, तो ये अल्कोहल हो गया, ये डेरिवेटिव है, ठीक है। ऐसे ही इथाइल अल्कोहल में इथेन को इथेन में एक हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, OH ग्रुप, तो वो बन गया इथाइल अल्कोहल। इसके बाद एसिड्स, एसिड्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन को हटा के COOH ग्रुप अटैच कर देते हैं, मतलब इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप एक चीज़ होती है जिसको हम ये कहते हैं कि उस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स में वो पर्टिकुलर ग्रुप होना ही चाहिए। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो गया OH, एसिड्स का हो गया COH, तो जितने भी एसिड होंगे उनमें COH ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जैसे एसिटिक एसिड है तो अगेन CH4 मीथेन है, तो मीथेन का एक एच हटा के क्या अटैच कर दिया, COOH अटैच कर दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, ये एसिड का, एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH। ओके, तो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, ये आपको याद करने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फॉर्मूला बताइए। ओके, देन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, अच्छा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, पहले वो कर लेते हैं, एलोट्रॉप्स बाद में देखेंगे। और यहाँ पे अच्छा शुगर, अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ख़त्म नहीं हुए, अभी यहाँ पे और दे रखे हैं, ग्लूकोज C6H12O6 फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की इक्वेशन में कई बार आपने याद किया है, सुक्रोज C12H22O11। अभी इतने सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट दे रखी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम डाइसल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड कार्बोनिक एसिड। ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ जो ये चीज़ें थी ना, जो ये ग्रुप्स थे वो डायरेक्टली अटैच हुई, जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच हुई, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम अटैच हुआ, यहाँ मॉलिक्यूल अटैच हुआ था, यहाँ कार्बन के साथ तीन ऑक्सीजन के एटम्स और एक कैल्शियम का एटम अटैच हुआ, यहाँ पे भी सोडियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे जिंक और ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या अटैच हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम, यहाँ पे क्या अटैच हुआ, सल्फर, यहाँ पे क्या अटैच हुआ, सिलिकॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अलग अलग रेशियोज में कंबाइन हुए, अलग अलग कंडीशंस में कंबाइन हुए, मतलब डायरेक्ट अटैचमेंट है, यहाँ पे किसी को रिप्लेस नहीं किया, ऐसा नहीं है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ तो उसको हटा दिया फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, ऐसा नहीं हुआ है। तो डायरेक्ट अटैचमेंट जो है, डायरेक्ट जॉइनिंग जो है, वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है। ओके, देन यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखा रखी है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन शुगर, ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं लेकिन ध्यान से करना नहीं तो डांट पड़ेगी। एक चाइना डिश, एक बर्नर एंड शुगर, इसमें क्या किया, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इन अ चाइना डिश, आप स्टील की कटोरी में भी ले सकते हैं, थोड़ी सी चीनी ले लीजिए और उसको बिल्कुल ज़रा सी लेना, और आप बोल ऐसी लेना जो कि मम्मी की बहुत ज़्यादा फेवरेट ना हो, घर में यूज़ ना होती हो, उसको आप गैस पे हीट करिए और किसी की ऑब्जर्वेशन में करें, कोई पेरेंट साथ में हो तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ी देर उसे हीट होने दीजिए, आप क्या देखोगे कि वो चीनी मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद वो थोड़ी सी ब्राउन, फिर भी हीट होने दोगे तो थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद उसमें से स्मेल आनी शुरू होगी, और हीट होने दोगे और आपके अंदर रेजिस्टेंस है कि हाँ नहीं डांट पड़ेगी तो देखी जाएगी, थोड़ा और हीट होने दो तो वो काली हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, मतलब कि वो अल्टीमेटली कार्बन में कन्वर्ट हो गई, बाकी सारी जो चीज़ें थी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो इवॉल्व हो गई, ठीक है। शुगर का फॉर्मूला देखा था ना अभी आपने, क्या था, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और C12H22O11, तो C12 तो रह गया, H22 और O11 इवेपोरेट हो गए, तो शुगर मेल्ट्स ऑन हीटिंग, ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स ब्राउन एंड फाइनली इट टर्न्स ब्लैक एंड गेट्स चार्ड, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कार्बन रह जाता है, ठीक है, जिसको हम चैरिंग ऑफ शुगर बोलते हैं, मतलब जल गई चीनी। ओके, सो ये छोटा सा एक एक्टिविटी है,
डिस्कशन शुगर कंसिस्ट ऑफ कार्बन, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लैक रेसिड्यू. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हो गई, सो कार्बन इज डेफिनेटली प्रेजेंट इन शुगर. ये हमारा क्या है, रिजल्ट है, कंक्लूजन है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अनदर फिनोमेना, बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. अब एलोट्रॉप का मतलब क्या हो गया, मतलब कि एक एलिमेंट, कार्बन तो बहुत ज़बरदस्त एलोट्रॉपी शो करता है, एक एलिमेंट दोस या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में हमें नज़र आता है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब कि उसका फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब किसी जो भी चीज़ अगर दो तीन चीज़ें आपको दे रखी हैं लेकिन दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन उनका अगर फॉर्मूला सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ये ध्यान रखिएगा. तो फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स दैट हैव द सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी क्या हो गया कि एक एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, मतलब देखने में डिफरेंट है, उसका हीटिंग पॉइंट डिफरेंट है, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, बॉइलिंग पॉइंट, हीटिंग पॉइंट कह रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, और उसकी डेंसिटीज डिफरेंट है उनकी, तो वो सब जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो डिफरेंट हैं. तो दीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने देखा अभी तक कि कार्बन एग्जिस्ट एज कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के. सबका फॉर्मूला एक ही था, सी फॉर्मूला सबका एक ही था, केमिकली देखें तो एक ही फॉर्मूला है. अगर केमिकल रिएक्शन करवाएंगे उसको लेके तो सबका रिएक्शन सेम होगा, सेम चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं तीनों की. ओके, सो सच फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स. The difference in physical properties of different allotropes of an element is due to their different structures. उनकी physical property different क्यों, क्योंकि carbon atoms का जो combination है ना, इन सारे जो compound तो नहीं करूँगी, इन सारे different forms में allotropes में वो different है. कार्बन जो एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, सिर्फ कार्बन है और कुछ नहीं है, लेकिन कार्बन एटम्स एक दूसरे से अलग अलग तरीके से अटैच्ड हैं, दैट इज़ वाई दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. And these are known as allotropes of carbon, and this phenomena is known as allotropy. और भी कुछ elements allotropy show करते हैं, such as oxygen, sulfur, carbon and phosphorus. मतलब इनके atoms जो हैं अलग अलग form में combine होते हैं, जैसे S का S8 होता है, S2 होता है, ऐसे होते हैं. ठीक है, अभी ये सब नहीं, हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं. अब हम सिर्फ कार्बन की बात करें तो जो कार्बन के allotropes हैं वो दो तरह के हैं, एक है क्रिस्टलाइन और दूसरे हैं नॉन क्रिस्टलाइन. नॉन क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस भी बोलते हैं, मतलब उनकी कोई शेप नहीं होती. अब क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की बात करें तो व्हेन कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न विद प्लेन सरफेस इट इज कॉल्ड अ क्रिस्टलाइन फॉर्म. मतलब कि एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न है, आप दुनिया में किसी भी रीजन में से, किसी भी माइन में से डायमंड निकालिए, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो उसके डायमंड का, उसमें जो कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट होगा, दैट विल ऑलवेज बी द सेम. मतलब दे आर ऑलवेज अरेंज इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, और उसकी वजह से ही डायमंड की प्रॉपर्टीज होती हैं. तो इसकी एग्जाम्पल हो गए क्रिस्टलाइन है, इसकी एग्जाम्पल होगा डायमंड, ग्रेफाइट, फुलोरिन्स भी है, अभी आप आगे आप पढ़ेंगे फुलोरिन्स के बारे में. तो दीज आर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन, और ये क्या हैं, सारे एलोट्रॉप्स हैं. तो ये एग्जाम्पल हो गए क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स. ठीक है, ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट नेचुरल है और फुलोरिन आर्टिफिशियल क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है. अब हम पढ़ते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, ये सब याद रखना है आपको, एग्जाम में आते हैं ये. ठीक है, मैं आपको ना एक बार ये एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक पेपर पैटर्न डिस्कस करूँगी कि आपके पेपर में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके आपको पता चल जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी है. नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस फॉर्म्स, व्हेन कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन एन अनसिस्टमैटिक पैटर्न इट इज़ कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस. अब अनसिस्टमैटिक पैटर्न हो, मतलब कि कुछ भी कार्बन एटम कहीं भी, कोई कहीं से जुड़ गया, कोई कहीं से जुड़ गया, अगली बार आया तो वह पहला वाला वहाँ से, यहाँ तीसरी तीसरी, अब जिसकी जहाँ मर्जी आ रही है कार्बन एटम, वहाँ से उसको जाके अटैच हो रहा है किसी दूसरे कार्बन एटम से, जैसे मन करे वैसे अटैच हो रहा है. तो ऐसी फॉर्म को हम नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस फॉर्म बोलते हैं. इसकी एग्जाम्पल हो गए कोक, चारकोल, कोल, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन.
मतलब जो काजल होता है आपका, दिवाली पे मम्मी वो दिया के ऊपर, जलते हुए दिया के ऊपर उल्टा दिया रख के काजल बनाती है ना, सबके घरों में बनाते हैं मेरे ख्याल से, उसको यूज़ करते हैं कि वो नज़र ना लगे दैट वे। तो वो जो है कोक, चारकोल, कोल, ये सारे नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है, अमोर्फस फॉर्म्स है। मतलब इसमें कार्बन एटम्स का मेन जो डिफरेंस क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। कहीं से भी आप ग्रेफाइट की स्लेट ले लीजिए, स्लैब ले लीजिए, पैटर्न वही होगा, ठीक है। डायमंड का ले लीजिए, वही पैटर्न होगा, फुलरीन्स का वही स्ट्रक्चर होगा। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन या अमोर्फस फॉर्म में कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी कार्बन एटम कहीं भी किसी से भी किसी भी फॉर्म में अटैच हो सकता है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर डिफरेंट, इनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मतलब व्हेन दे आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, दे ऑल ऑफ देम शो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, कोक, कुछ भी ले लो, उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो इट गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, हीट इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया? तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ओके, नाउ और क्या दे रखा है? हाँ, फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स दे रखे हैं, येलो फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस, सल्फर के रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक एंड कोलोइडल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ओजोन, ये सारे एलोट्रॉप्स हो गए। अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन की, कितनी कितनी फॉर्म्स होती हैं। अब तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन हैं वो क्या हैं? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलोरीन्स। डायमंड जो है वो सबसे महंगी है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ दी प्योरेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। इट इज़ फाउंड इन, नेचुरली फाउंड इन साउथ अफ्रीका में डायमंड की माइंस बहुत ज़्यादा हैं, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, नामीबिया एंड इंडिया, इंडिया में कम है, साउथ अफ्रीका और यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया इन सब में बहुत ज़्यादा डायमंड माइंस हैं। इन इंडिया डायमंड्स आर फाउंड एट पन्ना इन मध्य प्रदेश, पन्ना एक जगह है मध्य प्रदेश में, वो हीरा पन्ना वाली जो चीज़ है ना वो, एंड वज्रकारूर, पन्ना इन एमपी एंड वज्रकारूर इन आंध्र प्रदेश। नेचुरल डायमंड्स कैसे बनते हैं? फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कार्बन प्रेजेंट एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ। मतलब माइनिंग करने के लिए आपको 150 किलोमीटर अर्थ के अंदर जाना पड़ेगा तब मिलते हैं डायमंड। Sometimes volcanic eruptions bring these diamonds to the surface of the earth. Some famous natural diamonds are Kohinoor हीरे के बारे में सबने सुना है, Kohinoor, Pitt diamond and Cullinan diamond, ये बड़े famous diamonds हैं। Diamond का weight and quality they are measured in carats. 1 carat is equal to 200 milligram. कितने carat का diamond है ना वो इस पर depend करता है, तो 1 carat is equal to 200 milligram. प्योर डायमंड जो होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? अच्छा, डायमंड कलर्ड भी होता है लेकिन प्योर डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। प्योर डायमंड इज अ कलरलेस, लस्ट्रस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेग्लिजिबल इम्प्योरिटीज एंड इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। उसमें लाइट की इतना बढ़िया रिफ्लेक्शन होता है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की मजा ही आ जाता है डायमंड में, हर एंगल से लाइट एक अलग कलर देती है। सम डायमंड्स हैव डिस्टिंक्ट कलर्स, कुछ डायमंड्स कलर्ड होते हैं, पिंक पैंथर मूवी देखी है, पिंक डायमंड जो था, सच एज रेड, पिंक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन एंड येलो टिंज्ड ऑल्सो। दीज कलर्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज ट्रेसेस ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड सॉल्ट्स। मतलब प्योर डायमंड है जो वो वाइट होता है, या आप कहें कि ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट तो नहीं कहूँगी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ कलरलेस, कोई कलर नहीं होता उसमें, और जो उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती हैं मेटालिक इम्प्योरिटीज, मेटालिक ऑक्साइड्स की, तो उसकी वजह से उसमें टिंज ऑफ कलर आ जाता है। सो दीज कलर डायमंड्स आर कॉल्ड जेम्स, इनको हम डायमंड नहीं बोलते, इनको जेम्स बोलते हैं, रत्न जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना रत्न। डायमंड तो हीरा हो गया और ये रत्न जो होते हैं जेम्स हो गए। ब्लैक डायमंड्स कंटेन कॉपर इम्प्योरिटीज, कॉपर ऑक्साइड होता है, ब्लैक डायमंड होता है, ऑल दो दे आर नॉट यूज एज जेम्स दे हैव इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। अब आर्टिफिशियल डायमंड, ये तो नेचुरल डायमंड हो गए, आर्टिफिशियल डायमंड क्या होते हैं? डायमंड्स आर मेड आर्टिफिशियली फ्रॉम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हमने 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर में हीट किया, एब्सेंस ऑफ एयर में, तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है ये।
ये सिंथेटिक डायमंड कहलाते हैं, छोटे होते हैं साइज में एंड दे आर बेसिकली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल्स। आपने देखा होगा कांच को काटने के लिए ग्लास जो होता है, ग्लास को काटने के लिए एक हम जो पेंसिल यूज़ करते हैं उसकी एज पे डायमंड लगा होता है, ग्लास कटर हम जिसको बोलते हैं, तो दे आर यूज फॉर कटिंग ग्लास। ओके देन देर इज अनदर फैक्ट, मोइसान वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल डायमंड्स इन 1886। ही प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ शुगर चारकोल एंड आयरन इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। ओके 1886 में दिस पर्सन मोइसान ही क्रिएटेड आर्टिफिशियल डायमंड्स बाई हीटिंग शुगर चारकोल एंड आयरन इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। अब डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज़ अ जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि कार्बन आइटम में होते हैं। ईच कार्बन आइटम इन द डायमंड क्रिस्टल इज लिंक्ड टू फोर अदर नेबरिंग कार्बन आइटम्स बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड फॉर्म्स अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर, रिजिड 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये जो दे रखा है ये, ठीक है, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं क्योंकि चार डिफरेंट एंगल्स में कार्बन के एटम्स जा रहे हैं, हर कार्बन आइटम जो है वो फोर बॉन्ड्स बना रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज टेट्राहेड्रल। आप देख सकते हैं हर, जैसे ये पर्टिकुलर कार्बन आइटम है इसके फोर बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 और 2 इधर उधर होंगे, ठीक है, तो इसके देखो 1 2 3 4, तो हर कार्बन आइटम जो है वो फोर डिफरेंट एटम से लिंक्ड है एक पर्टिकुलर शेप में, तो दिस इज नोन एज अ थ्री डायमेंशनल रिजिड ऑक्टाहेड्रल शेप। तो दिस बेसिक यूनिट ऑफ डायमंड क्रिस्टल रिपीट्स इटसेल्फ एंड एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शंस, ये ऐसे हर डायरेक्शन में एक्सपेंड होता जाता है, एक्सटेंड होता जाता है और डायमंड बन जाता है, ठीक है। तो इट इज प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डायमंड की। इट इज़ द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्री डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ब्लैक डायमंड सबसे हार्ड होते हैं। ये हार्डनेस क्यों है, रीज़न रीज़न आपको ज़रूर करिए यहाँ पे ना कि क्यों, वाई हार्डेस्ट है, वाई बिकॉज ऑफ, क्यों है हार्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्री डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। कौन से हार्डेस्ट होते हैं, ब्लैक डायमंड्स आर द हार्डेस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, कलर्ड क्यों होते हैं, वाई वाई आर दे कलर्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। देन इट इज़ अ हाई डेंसिटी, डेंसिटी काफ़ी हाई है डायमंड की, किस वजह से है, अगेन हाई डेंसिटी, वाई, ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। सारी रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए ये, ठीक है, मैं जो भी बोल रही हूँ वो बहुत ध्यान से आपको दिमाग में रखना है कि हाँ ये हमें आना चाहिए। नेक्स्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगेन वाई, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज वाई इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई 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 जरूर करिए, गिव रीजंस वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, है ना, ये आपको आगे तक हायर क्लासेस तक काम देगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। देन अगेन, वाई डज डायमंड स्पार्कल, क्यों, क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है, दैट इज 2.5, तो जब लाइट एंटर करती है उस क्रिस्टल में तो इट अंडरगोज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, बार बार रिफ्लेक्ट होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होते हैं, दैट इज वाई इट स्पार्कल्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी बहुत हाई है, कितनी है 2.5, ये भी ध्यान रखिएगा। इट इज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, 3550 डिग्री सेंटीग्रेड, दस अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दोज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, जो कि ऑक्टोहेड्रल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा डायमंड की, ऑक्टोहेड्रल स्ट्रक्चर है, सॉरी थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऑक्टोहेड्रल नहीं, टेट्राहेड्रल है ना, ये कार्बन का एक एटम है फिर यहाँ पे उसके चार बॉन्ड बन रहे, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं आपका टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से इसको टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि वी ऑल्सो कॉल इट टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर,
ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत स्ट्रांग होता है, और बहुत ज़्यादा हम उसको हीट करेंगे तो उसकी जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स की शेप चेंज हो जाती है, टेट्राहेड्रॉन ब्रेक हो जाता है, डिफरेंट तरीके से अरेंज हो जाता है, स्लाइड स्लाइड करने लगता है, एंड देन दैट मीन्स डायमंड हैज़ चेंज इन टू ग्रेफाइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई उसकी, एंड इट इज़ जनरली इनसॉल्यूबल इन ऑल द सॉल्वेंट्स। डायमंड के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे ज़्यादा तो आपको पता है ज्वेलरी में यूज़ होता है। क्यों ज्वेलरी में क्यों यूज़ होता है? क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है, बहुत खूबसूरत तरीके से शाइन करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर यूज इन ज्वेलरी, दे आर वेरी ब्यूटिफुल टू लुक एट। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल टूल्स में शार्प एज्ड कटर्स फॉर कटिंग ग्लास एंड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट फॉर ड्रिलिंग होल्स इन द अर्थ्स हार्ड रॉकी लेयर। होल्स ड्रिल करने के लिए रॉक में डायमंड की एज यूज कर, डायमंड लगा के इक्विपमेंट्स की एज पे, टिप पे यूज करते हैं। सर्जिकल टूल्स में शार्प एज डायमंड्स आर यूज्ड बाय आई सर्जन्स एज अ सर्जिकल टूल टू रिमूव कैटरेक्ट। मतलब जहाँ पे बिल्कुल प्रिसाइसनेस चाहिए वहाँ भी डायमंड यूज होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ भी डायमंड यूज हो रहा है। प्रोटेक्टिव विंडोज, डायमंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस, जस्ट दे यूज फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव विंडोज ऑफ स्पेस सैटेलाइट्स, स्पेस सैटेलाइट की जो विंडोज हैं वहाँ पर डायमंड यूज हो रहा है। देन थर्मोमीटर्स, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव टू हीट रेस, सो दे आर यूज फॉर मेकिंग हाईली एक्यूरेट थर्मोमीटर्स। तो ये डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, यूजेस हो गए, उसके बारे में कुछ डिटेल्स हो गए। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हम पढ़ रहे हैं, आप डायमंड ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसके आगे हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट, फुलोरिन्स पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ ऑलरेडी क्वाइट लॉन्ग, लेंदी हो गया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो सब कवर करेंगे। डू लेट मी नो इफ़ यू फाइंड दिस लेक्चर यूज़फुल, इंटरेस्टिंग आपको लगा, यूज़फुल लगा, आपके यूज़ क्या, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करिए उसको और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर।